We are all aware of the fact that our very great India was partitioned by the British into India as well as Pakistan. अब मानने वाली बात तो ये है कि पार्टीशन का दिन तो सेम ही था, तो ऐसा क्यों है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाता है? चलिए आइए, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपेंड देयर. बट बिफोर दैट I'd like to make an important announcement. On this particular Independence Day, Maluka IAS आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा अवसर, जहाँ पे IAS aspirants हर एक कोर्स pertaining to IAS and civil services examination online as well as offline पे पाएंगे 20% off. This deal is from the 12th of August till the 15th of August, and so kindly pick up your phones and register with us today. So the question is, why is it that Pakistan celebrates Independence Day on the 14th and India celebrates it on the 15th of August? Kuch to aisa hua itihas mein, so let's try to understand what. Ab hua aisa ki jab hame independence mila, usi turant samay pe hum republic nahi bane. So there has to be a difference between independence and becoming a republic. Republic ka matlab ye hota hai कि द हेड ऑफ द स्टेट हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल. जिन देशों में हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी पर्पसेस से होते हैं, उन देशों को हम मोनार्क बोलते हैं, मोनार्कियल सिस्टम. जहां पे हेड ऑफ द स्टेट फियर से बनते हैं, उनको हम डिक्टेटरशिप या टायरानिकल रूलर्स बोलते हैं. और जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होते हैं, ऐसे देश को हम रिपब्लिक बोलते हैं. जिसका मतलब ये है कि 1947 से लेके 1950 तक कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट जरूर थे लेकिन रिपब्लिक नहीं थे. और उस समय पे हमारा जो स्टेटस था उसका नाम था एक डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस का मतलब वही है कि आजाद है कंट्री, लेकिन उसका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट होके नहीं आया, किसी फॉरेन पावर ने उसको अपॉइंट किया है. एंड इसी वजह से थोड़ी देर तक 1947 के बाद यहाँ पे बैठे थे लॉर्ड माउंटबेटन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. एंड उसके बाद बने थे सी राजगोपालाचारी, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, या फिर द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सो हुआ ये कि लॉर्ड माउंटबेटन को पता था कि पार्टीशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है. इनफैक्ट प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा चल भी रही थी. तो ऐसा कहा गया कि चलो ठीक है, हम लोग ये पार्टीशन और ये इंडिपेंडेंस एक्चुअली जाके June 30th, 1948 में जाके करेंगे. लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये समझते हुए कि आगे चल के प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, वायलेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और इनकी फोर्सेस को प्रॉब्लम होगी, तो इंस्टेड ऑफ प्रोलॉन्गिंग द मैटर टिल द जून ऑफ 1948, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इंडिपेंडेंस दे देते हैं अगस्त 1947 में ही. अच्छा, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक रैंडमली चोजन हमारा एक डेट था, तो मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा सोचा नहीं. लेकिन एक्चुअली ये इस वजह से था क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो भी रायता फैलने वाले हैं उससे पहले हम लोग बोरिया बिस्ता निकाल के निकल जाए इस देश से. यस, सो कहीं ना कहीं द इंडिपेंडेंस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन द July 4th, 1947, जिसने ये कहा कि दो डोमिनियंस बनेंगे, एक इंडियन डोमिनियन, एक पाकिस्तान का डोमिनियन. और दोनों के दोनों कहीं ना कहीं बने भी, राइट? और ब्रिटिश रूल टर्मिनेट होगा कौन से दिन? August 15th, 1947. ऐसा वो बिल कहा गया था. इनफैक्ट एक बुक फ्रीडम एट मिडनाइट में लॉर्ड माउंटबेटन ने ये भी कहा था दैट द डेट आई चोज वाज आउट ऑफ द ब्लू, जो कि हम नहीं मानते. आई वाज डिटरमिंड टू शो आई वाज द मास्टर ऑफ द होल इवेंट एंड व्हेन आस्क्ड इफ आई हैड सेट अ डेट आई न्यू इट हैड टू बी सून, सो इट वाज अ रैंडमली चोजन डेट. अब बात यह है कि व्हाई वाज इट 15th ऑफ ऑगस्ट? तो कहीं ना कहीं 15th ऑफ अगस्त 1945 में जापान ने अपना सरेंडर किया था और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई थी. तो उसी दिनांक को दिमाग में रखते हुए 15th अगस्त 1947 ही हैड चोजन. और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रीपोन इसलिए भी किया था क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते थे, अपने फोर्सेस की जान बचाना चाहते थे और जो भी रायता फैलाए उससे पहले वो अपने देश जाना चाहते थे, राइट? अब अगर हम बात करें लीगल एस्पेक्ट्स की, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि देश तो एक ही था और एक ही देश जब दो हिस्से में बट गया तो ऐसा क्यों है कि उनका इंडिपेंडेंस डे कभी और मनाया जाते 14 अगस्त को
और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, तो लेट्स टेक इट वन बाय वन। पहली बात तो अगर हम लोग डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश रूल की बात करें तो दैट वाज द 15 अगस्त 1947 अकॉर्डिंग टू द एक्ट दैट दे हैड मेड फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस। दो डोमिनियंस की बात हो गई थी, डोमिनियन का मतलब हेड ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड एंड नॉट इलेक्टेड। यहाँ पे बने थे थोड़ी देर के लिए लॉर्ड माउंटबेटन और गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने थे मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट इस तरीके से कि सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन गए थे पाकिस्तान और पाकिस्तान में जाके उन्होंने बोला पहले अपनी पूरी प्रक्रिया की वो लीगल ट्रांसफर करने की, ये की उन्होंने 14 अगस्त को, और 14 अगस्त को ही वापस आके इंडिया में न्यू दिल्ली में आके 11 बजे उन्होंने वो लीगल ट्रांसफर करना शुरू किया इंडिया में, और लीगल ट्रांसफर होते 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 12 बज गए, और जब 12 बज गए तो 15 अगस्त हो गया। सो जिस वजह से कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीजंस कि पाकिस्तान मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे ऑन द 14 अगस्त क्योंकि दिन में पहले वो प्रक्रिया शुरू हुई थी पाकिस्तान में, और हम मनाते हैं ऑन द 15 अगस्त एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, राइट, दैट इज व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस। हिस्टोरियंस का मानना ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारी इंडिपेंडेंस का ये डे वॉज मोर बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ द ब्रिटिश एंड द कलोनियल सेंटिमेंट्स कि भाई जापान ने सरेंडर किया था 15 अगस्त 1945 को, इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम इनको इंडिपेंडेंस दे देते हैं। कहते मोर देन द कलोनियल सेंटिमेंट्स, आर सेंटिमेंट्स वर नॉट केप्ट इन माइंड, बट चलो कुछ तो लोग बोलते ही हैं, राइट। लॉजिस्टिकल प्लानिंग वॉज हैपनिंग, दिस इज अच्छा डोमिनियन स्टेटस क्यों दिया, क्योंकि थोड़ा सा स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है, राइट। अभी इसके बाद प्रिंसली स्टेट्स, ये वो बहुत सारी चीजें इनको दिमाग में रखनी थी। So like I said, Lord Louis Mountbatten was appointed as the Governor General of Independent India. Then thereafter it was C. Rajgopalachari. And of course, 26 January 1950 के दिन जब हम Republic बने, तो हमारे सबसे पहले जो President थे, वो थे Dr. Rajendra Prasad. और यही अगर Governor General of Pakistan की बात करें, तो वो थे Muhammad Ali Jinnah. Now Pakistan का केस इस तरीके से, like I said, कि सबसे पहले ये पाकिस्तान में गए थे, लाहौर में गए थे, right? और उन्होंने पहले तो दोनों के दोनों देशों ने आइडेंटिफाई किया 15 अगस्त को ही, इनफैक्ट उनके पोस्टेज स्टैम्प पे भी 15 अगस्त था, लेकिन लेटर ऑन दे वेंट टू 14 अगस्त। आई हैव गिवन यू वन रीजन, द वन रीजन वाज प्राइमरीली क्योंकि जो फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी वो 14 अगस्त को हुई थी पाकिस्तान में, और यहाँ पे वो आए थे 14 अगस्त न्यू दिल्ली में आए थे ऑन द 14 अगस्त एट 11 o'clock। काम होते 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 12 बज गए तो 15 अगस्त हो गया। The second reason why Pakistan chose 14th of August as their Independence Day is that it coincided with the 27th day of Ramzan, जो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा holy event माना जाता है। तो अपने religion को नज़र में रखते हुए, that is these are the two reasons why they chose this particular date. So Ramzan consideration and practical reasons की वजह से। अगर हम 15th August की बात करें, तो हमारा कॉलोनियल रूल एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आर ऑन द 15 अगस्त 1947 हुआ था, जिस वजह से इस दिन हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, राइट। सो नेशनल आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, हमने ऑलरेडी जापान के सरेंडर की बात कर ली जो 1945 में हुआ था। वी सेलिब्रेटेड आर सेक्युलरिज्म एंड आर डेमोक्रेसी, सो इट हैड नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, राइट, अनलाइक पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान की मुस्लिम स्टेट एंड रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात हो चुकी है, राइट, इस्लामिक हेरिटेज के बारे में, रमजान का कनेक्शन भी ऑलरेडी डन, राइट। सो अब ये दिन हमारे लिए एक दिन है इंडिपेंडेंस का। क्रिटिक्स का मानना ये है कि भाई तुम्हारी इंडिपेंडेंस नहीं, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के खत्म होने की बात की थी, इस वजह से हुआ था, पॉइंट इज हम इंडिपेंडेंट हुए और वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यस, ओके, सो Now that we've understood this very, very interesting concept, I'd like to give you a prelims-based question. Read it, understand it, and answer the question. Which of the following statements accurately describes the Indian Independence Act of 1947? The act stipulated British rule in India would end on 15 August 1947, and the subcontinent would be divided into two dominions, India and Pakistan. Act mandated the establishment of a constituent assembly for both India and Pakistan, to draft their respective constitutions, provided for the partition of British India into India and Pakistan based on religious majorities, and included a provision for the creation of a unified central government
for both the dominions, ensured that the boundaries of India and Pakistan would be finalized and publicly announced by 15th August 1947. Read it, understand it, and kindly write it down. Before ending this topic, I'd like to make two important announcements. Jitne bhi bache 2025 prelims ke liye baithne wale hain, and they are looking for a test series which is exactly aligned with the UPSC pattern, look nowhere else and come and join Maluka IAS today. Jahan pe ek UPSC aspirant ko milenge 64 tests, jisme se 34 prelims, 30 mains. Test ke saath discussion by our top mentors in both English as well as Hindi at very, very affordable costs. And finally, keeping in mind that education should be affordable for all, Maluka IAS has considerably reduced the cost of the monthly compilations of our current affairs, jo ki dono English as well as Hindi mein available hai. Thank you very much and join us today.